नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके में छोटी सी पहल मुस्कान हर चेहरे पर जरूरतमंद लोगों के बीच कपड़ा वितरण किया गया, जिसमें सभी बच्चों के लिए कपड़ा, शर्ट पैंट, जीन्स, चादर, स्वेटर, जैकेट, गर्म टोपी जैसे चीज़ों का वितरण किया गया। आपको बता दें कि राज पैलेस बैंकेट हॉल में किया गया ये पूरे समारोह का आयोजन, और इसमें इस आयोजन को करने में आदि मेहता, बबलू प्रकाश, सुरेश कुमार ज्योति, सतीश और बाकी के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ समाजसेवी भी थे जिन्होंने ये पहल की। ये एक बहुत ही खूबसूरत पहल है कि ठंडी के मौसम में जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, इनको कपड़े मुहैया कराया गया, स्वेटर जैकेट भी मुहैया कराया गया। कहीं ना कहीं ये एक बेहतर कदम है। देखते हैं रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग कपड़ा वितरण का आयोजन किया है, और झुग्गी झोपड़ी में जाकर और यहाँ पर राज बैंकेट हॉल में लोगों को बुलाकर कपड़ा देने का कार्य किया है हम लोगों ने, जिसमें साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े, शर्ट पैंट, जीन्स और स्वेटर जैकेट देने का कार्य किया हम लोगों ने। बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। आदि मेहता, सुरेश कुमार ज्योति, रंजीत जी, रवि मेहता जी, राहुल भाई, जो इस कड़कड़ाती ठंड में ज़रूरतमंदों को, छोटे बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को जो कपड़े पुराने नए सब मिलाकर इन्होंने वितरण करते आए हैं, और कई पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। इस बार हुआ कि राज बैंकट हॉल में बगल में एक सलम एरिया है, वहाँ के लोगों को खबर कर दी गई थी और लोग आए यहाँ पर, अपने हिसाब से अपने साइज के कपड़े चुन कर वो ले गए। अच्छा है, ईश्वर करे कि हम अपने साथियों को इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आज समाज से जुटाए हुए कपड़ों को जो वितरण कर रहे हैं, ईश्वर से हम लोग दुआ करते हैं कि हमारे साथियों को इतना सामर्थ्यवान बनाए कि भविष्य में इन तमाम शहरी गरीब झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए नए कपड़े वितरण करें। ये भी हमारा आगे का लक्ष्य होगा। धन्यवाद।